नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। आप देख रहे हैं जग सागर एमपी टाइम्स। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मात्र एक डॉक्टर के भरोसे एवं स्टाफ की कमी से जूझते हुए चल रहा है हॉस्पिटल क्षेत्र में डेंगू की दस्तक के बाद भी प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से जनता हैरत में। गांधी सागर बांध में नींव की ईंट बनने वाला नीमच जिले का रामपुरा नगर डूब से प्रभावित होकर अपना आर्थिक वैभव तो खो ही चुका है। अब नगर की जनता एकमात्र शासकीय हॉस्पिटल की दम तोड़ रही व्यवस्थाओं के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की पीड़ा भी झेलने को मजबूर है। हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला बहुचर्चित होलकर स्टेट के समय का जिले का सबसे पुराना रामपुरा हॉस्पिटल, जिसकी बिल्डिंग जिले के किसी भी हॉस्पिटल से काफ़ी बड़ी होने के साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जिले का एकमात्र हॉस्पिटल है। क्षेत्र के कई ग्रामीण भी इस एकमात्र शासकीय हॉस्पिटल के भरोसे अपना इलाज कराने रामपुरा आते हैं। इस प्राचीन हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी उपेक्षा के साथ साथ डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी के चलते दम तोड़ रही हैं। इस पर प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से भी जनता हैरत में है। वर्तमान में डेंगू का प्रकोप सभी ओर फैला हुआ है, इससे रामपुरा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। नगर में डेंगू के संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं, किंतु बावजूद इसके एक डॉक्टर सुरेंद्र पटेल छुट्टी पर होने के बाद वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डॉक्टर उमेश बसेर अपनी सेवाएं हॉस्पिटल में दे रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर बसेर 200 से 250 मरीज प्रतिदिन देख रहे हैं, जिसमें महिला मरीज भी शामिल हैं। साथ ही भर्ती मरीजों एवं प्रसूता महिलाओं की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वहीं कभी पीएम केस आने पर डॉक्टर बसेर को ही जाना पड़ता है, ऐसे में मरीज परेशान होते हैं। साथ ही इस प्राचीन हॉस्पिटल में ना तो लैब में जांच की सुविधा है और ना ही एक्सरे, ना ही दवाओं की व्यवस्था। गरीब मरीजों को दवाएं भी बाजार से खरीदना पड़ रही हैं। प्रशासन के साथ साथ जनता ने जनप्रतिनिधियों से भी मांग की है कि शीघ्र ही रामपुरा हॉस्पिटल की सुध नहीं ली गई तो शीघ्र ही जन आंदोलन किया जाएगा। रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट, जग सागर एमपी टाइम्स पर। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए जग सागर एमपी टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।